आओ सुनते हाँ ਗਿਆਨੀ सोहन सिंह सीतल की किरत सिख राज किवें गया दा अगला भाग। अज गल करते हैं महाराजा नौनिहाल सिंह। महाराजा खड़क सिंह दे नज़रबंद होण ते बुधवार 9 अक्तूबर नूं कंवर नौनिहाल सिंह ने हकूमत दी वागडोर अपने हत्थां विच लई। इस होनहार नौजवान ते सारियां दियां आसां लग रहियां सन ते भरोसा सी कि यह शेरे पंजाब का लायक पोत्रा ते पंजाब का नीति निपुण बादशाह साबित होएगा। मैक ग्रेगर लिखदा है ओ नौनिहाल सिंह फौज विच हरमन प्यारा सी क्योंकि वह बचपन तो ही एक सिपाही ते बहादराना ते ना चुकण वाली आत्मा रखदा सी। उस विच सोच विचार ते सियाणप बहुत हद तक मौजूद सन। रणजीत सिंह नूं नौनिहाल सिंह ते बड़ा माण सी ते वह बड़े उत्साह नाल इह आस रखदा सी कि नौनिहाल सिंह विच सिख लाहौर दा तख्त सांभण वाला ते उसदे राज नूं समुचे तौर ते कायम रखण वाला एक योग जानशीन अनुभव करनगे। महाराजा रणजीत सिंह दे मगरों नौनिहाल सिंह ही डोगरियां दियां चालां ते अंग्रेज़ां दी नीति नूं समझण वाला सी। कनिंगम तो इत्थों तक कहता है जिवें राणा संग्राम सिंह ते महाराणा प्रताप विच उदय सिंह ना हुंदा तां मेवाड़ दा राज ना जांदा। इसे तरह जे रणजीत सिंह ते नौनिहाल सिंह दे विच खड़क सिंह ना हुंदा तां पंजाब सिखां हत्थों ना जांदा। नौनिहाल सिंह ने छेती ही ताड़ लिया कि डोगरा ताकत पंजाब वास्ते हानिकारक है, सो जिवें होवे डोगरियां नूं तबाह कर देना चाहिदा है। सब तो पहला उसने फौजी पंचां ते सरदारां नाल रसूख वधाया। फौज दी कवायद हमेशा आप देखदा सी, खास खास मुकदमे वो आप करदा सी। उन्हें कुछ चलदे चलदे आदमियां जिवें लहणा सिंह मजीठा, अजीत सिंह संधावालिया, भाई राम सिंह, राजा ध्यान सिंह, जमादार खुशहाल सिंह, फकीर अजीजुद्दीन आदि की एक सभा बना ली जिसकी सलाह नाल राज प्रबंध चलन लगा। इस तरह वजीर की ताकत घटती सी, सो ध्यान सिंह भी ताड़ गया कि इस जवान के सामने मेरी औखी ही गलेगी। गुलाब सिंह अपने आप विच जम्मू का खुद मुख्तियार राजा बनया बैठा सी। उत्थे फौजां भेज के नौनिहाल सिंह ने खराज वसूल किया। बहाने नाल अदल बदल करके जम्मू दे उदाले पुदाले सियालकोट, पुंछ, कांगड़ा, मंडी आदि थावां ते बहुत सारी खालसा फौज कट्ठी कीती ते उसके अफसर भी डोगरियां दे दुश्मन जरनैल वैंतुरा ते सरदार अजीत सिंह संधावालिया थापे। इस गल तो डोगरियां नूं अग लग उठी। डोगरा भरावां ने एक नवीं साजिश नौनिहाल सिंह दे विरुद्ध खड़ी कर दित्ती। ये अफवाह सारे फैल गई कि अंग्रेज़ों के बनाए काबल के बादशाह शाह सुजा के विरुद्ध नौनिहाल सिंह पठाणा नूं उभार रहा है ते अपनी मोहर वाली चिट्ठी भेज के उसने दोस्त मुहम्मद खान की मदद का इकरार किया है। कैप्टन वेड ने यह गल लिकेरा जबानी ही कही सी, मगर उसके जानशीन मिस्टर क्लार्क ने कुछ जाली चिट्ठियां भी बना लईयां, पर यह सारा षडयंत्र घड़िया घड़ाया रह गया। महाराजा नौनिहाल सिंह ने अपनी काबलियत नाल सब कुछ झूठा साबित कर दिता। महाराजा नौनिहाल सिंह इस झमेले विचों वेला होया ही सी जां 5 नवंबर नूं महाराजा खड़क सिंह जी चलाणा कर गए। हुण डोगरियां दियां चालां पूरियां हो गईयां। कंवर अपने पिता दे सराणे खड़ा संस्कार कर रहा सी। ध्यान सिंह ने गार्डनर नूं हौली जिहे कहा कि अपने तोपखाने विचों यूपी दे रहन वाले 40 सिपाही बिना वर्दी झटपट लिया। जिस वेले नौनिहाल सिंह ने उन्हां नूं कोई गुप्त सलाह करदियां वेख्या तां दिल विच शक पै गया। ओ मियाँ ऊधम सिंह जो कि गुलाब सिंह दा पुत्तर सी नूं नाल लैके किले वल नूं तुर पिया। जिस दरवाजे विच दी लंघणा सी डोगरियां ने उसके छज्जे दियां दाड़ां पुट के विच बारूद भर छड्डिया सी। दरवाजे उपर कर्नल विजय सिंह कुछ सिपाहियां सने बैठा सी। तजवीज़ ए सी कि जिस वेले कंवर छज्जे हेठ आवे हीरा सिंह रुमाल दा इशारा करे ते विजय सिंह दे सिपाही बारूद नूं अग दे देण। जिस वेले कंवर नौ निहाल सिंह ते उधम सिंह दरवाजे दे नेड़े आए हीरा सिंह ने राजा ध्यान सिंह नूं इशारा किया कि उधम सिंह नाल आ रहा है, की किता जावे। अगों ध्यान सिंह ने इशारे नाल उत्तर दिता, साडा एक उधम सिंह मर जाएगा तो परवाह नहीं, पर कंवर जिउंदा किले विच ना चला जावे। कंवर दा साथ छड्डण वास्ते उधम सिंह ने बथेरे बहाने किते पर कंवर ने उहदा हथ ना छड्डिया। जदों दोवें छज्जे हेठ आए तां हीरा सिंह दे इशारा करन ते विजय सिंह दे आदमियां ने बारूद नूं अग ला दित्ती। धमाके नाल छज्जा थल्ले आ पिया। उधम सिंह थाएं मर गया ते कंवर सिंह दे सज्जे कन्न दे कोल मगरले पासे जरा को ऊपर करके मामूली जही चोट लगी, जिस कारण आप बेहोश होके धरती ते डिग पए। डिगदियां मूहों पानी दी आवाज़ आई जो कईयां ने सुनी, पर उत्थे तां किसे होर पानी दियां सलाही होईयां होईयां सन, पानी कौन पिउंदा। दरवाजे दे नाल ही कोठड़ी विच इक पालकी ते गार्डनर दे तोपखाने दे पंज हिंदुस्तानी सिपाही जो बिना वर्दी सन पहला ही तैयार खड़े सन। जख्मी कंवर नूं ध्यान सिंह पालकी विच पाके किले नूं लै तुरिया। सरदार लहणा सिंह मजीठिया नाल जाना चाहुंदा सी, पर ध्यान सिंह ने धक्के मार के पिछां मोड़ दिता ते किले दा दरवाजा बंद कर लिया। डोगरा फौज पैरे ते खड़ी कर दित्ती गई। महाराणी चंद कौर पति दा संस्कार कर रही सी। सुनेहा पहुंचया कि तेरे पुत्र नाल आ पाना वरत गया है, तां उहदे भाअ दी दुनिया हनेर हो गई। पुत्र दी सट सुन के मां दे दिल विच दी तीर निकल गया। पुत्रां दे सल डाढे हुंदे हन। उधर बीबी नानकी सरदार शाम सिंह अटारी दी पुत्री नूं भी खबर पहुंच गई कि तेरे पति नाल आ कारा वरत गया, तां भी बेबल होई भज्जी भज्जी आई। दोवें नौ सस दरवाजे ते पुज्जियां। अगे बूहा बंद सी। उन्हां हाड़े कड्डे वास्ते पाए, अरजोइयां कीतियां, तख्ते कुट कुट के कोमल हत्थां विचों लहू कढ लिया, पर पत्थर दिल डोगरियां ने बूहा ना खोलिया। पुत्रां दे दुख केवल मावां ही जाण सकदियां हन। कंवर दा दुख चंद कौर तो पुछो, होर कौन जाणे। तंदरुस्त नू सार की दुखड़े दी जाके पुछ लै किसे बीमार कोलों, सो जाने जिस वेदन होवे। पुत्तर दे विछोड़े दी मारी मां दियां दुहाइयां किले दियां कंधां कंबा रहीआं सन। चंद कौर दे अज सारे सल जाग पए। मैं ओदे किहड़े किहड़े दुखां बाबत अर्ज करां। क्या पूछते हो हमदम इस जिस्म नातवां की, रग रग में दर्दो गम है, कहिए कहाँ कहाँ की। इधर तां ये कुछ हो रहा सी ते चलो किले दे अंदर चल के वेखिए उत्थे की बीत रही है। वो छज्जा कंवर ते नहीं डिगा सी, सगों सिखां दी किस्मत ते डिगा सी, जिस थल्ले पंजाब दे नसीब सदा वास्ते दबे गए। शाही महल दे सामने कुछ भोरे हन, उत्थे ही ये पाना वरतिया। पालकी विचों कढ़ के कंवर नूं एक कमरे विच पलंग ते लिटाया गया। अंदरों बूहा बंद हो गया। स्मिथ लिखदा है कि उस कमरे विच ध्यान सिंह ते उसके दो पहाड़ी नौकर कंवर पास रहे। उन्हां नौकरां दी मदद नाल ध्यान सिंह ने कंवर जी दा सिर पत्थर मार मार के फे दिता। मानो शेरे पंजाब दियां नेकियां दा बदला ध्यान सिंह ने उतार दिता। थोड़े चिर पिछों कमरे दा बूहा खुला तां सारे लहू मिज दा घाण वज्जा पिया सी। लोक विखावे मात्र दरबारी डॉक्टर जान मार्टर हॉनिंग बर्गर नूं बुलाया गया। जद डॉक्टर पुज्जा सारा कारा हो चुका सी। ध्यान सिंह ने डॉक्टर नूं कस के कहा, वेखना कंवर दी मौत दी खबर बाहर ना निकले। डॉक्टर वापस मुड़िया तां ध्यान सिंह ने पिछों उच्ची आवाज़ विच कहा, डॉक्टर साहब कंवर साहब कुक्कड़ दी तरी मंगदे हन, दे दित्ती जावे। उत्तर विच डॉक्टर ने कहा, हुण तरी दी लोड़ नहीं, साबत मुर्गा छकाओ, छकणगे। कंवर साहिब दिल दियां दिल विच लैके इस भरी दुनिया तो चल बसे। सौदा जहां से आके कोई कुछ ना ले गया, जाता हूँ एक ही मैं दिल में आरज़ू लिए। कंवर नौनिहाल सिंह 1 साल 28 दिन राज करके 19 साल 7 महीने 27 दिन की उम्र भोग के वीरवार 5 नवंबर 1840 ईस्वी को डोगरा गर्दी का शिकार हो गए। हुण ध्यान सिंह सोचता है जे अजो ही तख्त उत्ते अपने पुत्र हीरा सिंह नूं बिठावां तां जे शेरे पंजाब दे 6 पुत्र बाकी हन वो सानू राज नहीं करन देणगे। होवे ना तां जिवें खड़क सिंह ते नौनिहाल सिंह नूं संभाल लिया है एवें ही बाकियां वाला भी कीर्तन सोहिला पढ़ लिया जावे ते फिर बेखटके राज करिए। हुण उन्हां दी नज़र कंवर शेर सिंह ते पई। उन्हें सारा हाल लिख के उन्होंने भेजा। उधर वजीर ने महाराणी चंद कौर नूं मिल के कहा, कंवर जी मर चुके हैं, मैं बड़ा चारा किता पर पेश कोई नहीं गई। मैं तो उन्होंने बचा नहीं सकिया, पर जे उन्हों की मौत की खबर कुछ दिन पर्दे विच रखो तो मैं आप नूं तख्त दिवा सकदा हाँ। पहला फौजां नूं आप नाल सहमत करना जरूरी है, सो जे तुसी राज करना चाहते हो तां कंवर दी मौत दी किते गल ना करना। इस पत्ते ते लग के चंद कौर चुप कर रही। उधर जिस वेले शेर सिंह नूं खबर मिली वो झट लाहौर आ वड़िया। तीसरे दिन पिछों कंवर दी लोथ दा संस्कार दादे ते पिता दी समाध दे कोल कीता गया। समय तो पहला ही मौत ने यह हीरा पंजाबियां तो खो लिया। जे कदे उमर साथ दिंदी तां कनिंगम अनुसार उस ते आस सी कि वो एक लायक ते जबरदस्त हाकम हुंदा जे उसकी जिंदगी बच जाती तां। जे अंग्रेज़ां दी पालसी उन्होंने पहला ही ना हिला दिंदी तां उहदे वास्ते सिंध अफगानिस्तान ते हिंदू कुश तो पार अपना राज वधाउण दा काफ़ी मैदान सी ते शायद वो इस गल नूं फखर नाल कहंदा कि महमूद ते तैमूर दे हमलिआं दा हिंद दे जागे होए जट्टां ने पूरा बदला लिया है। आओ गल करदे हां महाराणी चंद कौर दी। तीजे दिन पिछों शेर सिंह दे आउण ते कंवर दी लोथ दा संस्कार होया। इन्हां ही दिनां विच महाराणी चंद कौर ने सारे सरदारां विच प्रगट किया कि कंवर दी राणी बीबी नानकी दे बाल होण वाला है। वो लड़का होवे तां राज दा असली हकदार वो होवेगा ते जे लड़की होवे जिमें सरदारां दी मर्जी, पर बच्चे दे जन्म तक गद्दी राखवी रखी जावे। इस गल दा लोकां ते बड़ा असर होया। संधा वालीए ते होर कई सरदार चंद कौर दी मदद ते हो गए। उधरों तख्त दे दावे वास्ते ध्यान सिंह दा बुलाया शेर सिंह भी आ गया। वजीर ध्यान सिंह ते मिस्टर कलार्क अंग्रेजी एजेंट ने शेर सिंह नूं नौनिहाल सिंह दा जानशीन पंजाब दा बादशाह मन लिया, पर संधां वालियां दा धड़ा इन्ना भारा हो गया कि शेर सिंह तख्त ते कब्जा ना कर सकिया। संधां वालियां दी ताकत वेख के राजा गुलाब सिंह भी उन्हां वल दा हो गया। ये डोगरियां दी चाल सी। ध्यान सिंह शेर सिंह वल्ले ते गुलाब सिंह चंद कौर वल्ले भी भावें कोई धड़ा जिते डोगरे अगे रहन। संभव सी कि आपस विच तलवार खड़क पैंदी, पर कुछ दूर दी सोचण वालियां ने सुलह दा एक होर राह कढ लिया। तजवीज़ होई कि महाराणी चंद कौर ते कंवर शेर सिंह दा आपस विच पुनर विआह कर दिता जावे ते राज प्रबंध इन्हां दोहां दे हवाले कर दिता जावे ताकि दोवें ताकतां आपस विच खैण ना सगों कट्ठियां हो जाण ते इह काम डोगरियां नूं पसंद नहीं सी। सो उन्होंने दोहां धिरां नूं चुक चुका के विआह नेपरे ना चढ़न दिता। विआह रुक गया, पर कई सरदारां दे उदम नाल ये फैसला हो गया कि होण वाले बच्चे दे नां उत्ते महाराणी चंद कौर तख्त ते बैठे, ध्यान सिंह वजीर बने ते शेर सिंह राज सभा दा प्रधान बने। छेती ही ध्यान सिंह ते शेर सिंह इस ख्याल ते लाहौरों चले गए कि फौज नूं अपने नाल गंढ के चंद कौर दे विरुद्ध लाहौर ते धावा किया जावे। इन्हां दे मगरों अतर सिंह संधावालिया वजारत दा काम करन लगा। राजा ध्यान सिंह भावें जम्मू नूं तुर गया सी, पर उसके छड्डे होए नीतक चूहे पंजाब राज दीआं नीहां खोखलियां करन वास्ते लाहौर विच काफ़ी सन। उन्हां फौजी पंचां नूं चंद कौर दे उल्ट शेर सिंह दी मदद वास्ते उभारना शुरू कर दिता। कहंदे राज बदलण दी खुशी विच महाराणी ने फौजां नूं इनाम नहीं दिता, जे शेर सिंह तख्त ते बहिंदा तां इनाम भी मिलदा ते तनखाह विच भी वाधा हुंदा। नाले संधावालिए अंग्रेजां दे मित्र हन ते इस वेले राज प्रबंध उन्हां दे हत्थ विच है, ओह पंजाब अंग्रेजां दे हवाले कर देणगे। डोगरियां दा इह जादू चल गया ते फौजां विच इस गल दी चर्चा होण लग पई। उत्तों हीरा सिंह ने वत्तर संभालदियां होइयां कहा, जद महाराजा रणजीत सिंह दा दूजा पुत्र कंवर शेर सिंह राजगद्दी दे लायक है तां तुसीं उसनों क्यों नहीं बादशाह बनाउंदे? मैं इकरार करदा हां ओहदे बादशाह बनन ते तनख्वाह भी वधेगी ते इनाम भी मिलेगा। मैं हैरान हां कि तुसीं मर्द होके इक औरत दी हुकूमत किवें मन्नी बैठे हो। इहो जिहियां कई तकरीरां सुण के फौजां मन गईयां कि शेर सिंह आवे, असीं उस दी मदद वास्ते तैयार हां। कंवर शेर सिंह दा वकील सरदार ज्वाला सिंह फौजां दे पंचां पास पुज्जा ते उन्हां नाल इउं पक्क पकाया, तुसीं शेर सिंह दे महाराजा बनन विच मदद करो तां तख्त हासिल करन ते हर एक सिपाही नूं एक बुतकी ते हर सरदार नूं कैंठा इनाम दिता जाएगा। तनख्वाह विच सिपाही नूं 1 रुपया ते सरदार नूं 5 रुपये महीने वाधा किया जाएगा। ये सुन के फौजां ने मन लिया कि शेर सिंह आवे तां असीं उसकी मदद वास्ते तैयार हाँ। ज्वाला सिंह ने रात दिन मेहनत करके शेर सिंह वास्ते मैदान तैयार किया, क्योंकि शेर सिंह नाल उसका लिखती इकरार सी कि जे वह ध्यान सिंह की मदद तो बिना बादशाह बन गया तो ज्वाला सिंह नूं वजीर बनावेगा। उधर हीरा सिंह लाहौर दे सारे हाल अपने पिता ध्यान सिंह नूं रोज़ भेजदा रहिंदा सी। समा विचार के ध्यान सिंह ने शेर सिंह नूं चिट्ठी लिखी कि जे तख्त लेना है तो झट लाहौर पुज जाओ। 300 सिपाही नाल लैके शेर सिंह शालामार बाग विच आ उतरिया। अंग्रेजी राजदूत मिस्टर क्लार्क नाल गलबात कीती तो उसने उत्तर दिता, असी पंजाब विच मजबूत हुकूमत चाहुंदे हां। इस पासियों तसल्ली हो जाण ते शेर सिंह ने सरदार ज्वाला सिंह नूं बुद्धू दे आवे ते फौजां कोल घल्लिया। फौजी पंचां ते सरदारां नाल हर तरह दा फैसला हो जाण ते अगले दिन शेर सिंह जरनैल एविटेबल दे घर आ उतरिया। इत्थे ही सारे पंच ते सरदार शेर सिंह नूं आ मिले। जरनैल वैंतुरा ते राजा सुचेत सिंह डोगरा भी शेर सिंह नूं आ मिले। फौजी सरदारां ते शहर दे कुछ पतवंतियां ने शेर सिंह दी भेंट नजराने धरे। 101 तोप की सलामी हुई तो शेर सिंह के महाराजा होने का ऐलान किया गया। दूजे पासे चंद कौर के तरफदार राजा गुलाब सिंह हीरा सिंह ते संधावालिए शेर सिंह के टाकरे की तैयारी करन लगे। गुलाब सिंह ने दिल खोल के फौजां विच पैसा वंडिया ते हर फौजी नूं 4 महीने की तनख्वाह भी अगाऊ दे दिती। खुराक ते जंगी समान इकट्ठा करके ਉਹ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਖਲੋਣ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਡੋਗਰੇ ਅਸਲੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਡੋਗਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ 50-60 हज़ार फौज नाल लैके ਉਹ यक्की दहली ते टकसाली दरवाजे राही शहर विच वड़िया। उन्हें अगे वध के हजूरी बाग ते बादशाही मसीत विच गुलाब सिंह दे कट्ठे किते होए जंगी समान ते कब्जा कर लिया। जंग दे वाजे वजे ते दोहां पासियां तो अग वरनी आरंभ हो गई। सिखां दियां गोलियां सिखां दियां छातियां विच ठंडियां होण लगियां। सिख सिखां दे लहू नाल ते बुझाउण लगे। 14 जनवरी नूं लड़ाई आरंभ होई ते 18 जनवरी तक इहो हाल रहा। अंत 18 जनवरी नूं राजा ध्यान सिंह आया ते लड़ाई खत्म होई। इस घमसान विच 4786 आदमी, 610 घोड़े ते 320 बलद मरे ते जख्मी होए। किले विचों 130 आदमी मरे ते जख्मी होए। ध्यान सिंह ने विच पै के दोहां धिरां विचों 4 शर्तां ते सुलह करा दिती। महाराणी चंद कौर नूं 9 लाख साल दी जगीर जम्मू दे नेड़े दिती जावे ते उसका मुख्तियार राजा गुलाब सिंह बने। दूसरा, चंद कौर नूं उसकी मर्जी अनुसार रहण दी आग्या होवे ते शेर सिंह विच कोई दखल अंदाजी ना करे, भाव पुनर विआह कराउण दी कोशिश ना करे। तीसरा, किले विचली डोगरा फौज निशान लहराउंदी बाहर चली जावे, उसनूं कोई रुकावट ना पाई जावे। चौथा, इन्हां शर्तां दी पालना वास्ते जमानत दित्ती जावे। 2 महीने 9 दिन राज करन मगरों चंद कौर तख्तों वख हो गई। शेर सिंह महाराजा ते ध्यान सिंह वजीर बने। राजा गुलाब सिंह चंद कौर दे समान दे बहाने शाही खजाना, जेवरात ते कई बहुमुल्ले हीरे जवाहरात लदवा के जम्मू नूं लै गया। शेर सिंह किले विच गया तां खजाना खाली पाया। जिहड़ी जागीर चंद कौर नूं मिली उस विचों बहुत थोड़ा उसनूं मिलदा, बाकी गुलाब सिंह हजम कर जांदा।